वेलकम विंटर। नवंबर के दिन चल रहे थे। नवंबर के दिन यानी ठंड के दिन। सुबह सुबह हल्की हल्की हवा ठंड को किसी सहेली की तरह अपने साथ लेकर गट्टू चिंकी के बेडरूम में आई। ठंड की वजह से गट्टू चिंकी ने ब्लैंकेट ओढ़कर और ज्यादा सोने का मूड बना लिया। 8 बज गए और मम्मी उनको जगाने आई। अरे उठो, 8 बज गए हैं, ठंड शुरू हो गई है। यू ब्लैंकेट में सांप की तरह सिकुड़ने से अच्छा था सुबह सुबह हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पर चलते, बहुत मजा आया हमें। ये सुनकर गट्टू चिंकी अपने ब्लैंकेट फेंककर झट से बिस्तर पर बैठ गए। क्या आप लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? अरे आज ही तो जाने लगे हैं। सुबह सुबह सुधीर अंकल का मैसेज आया और हम निकल गए। तुम गहरी नींद में थे इसलिए जगाया नहीं। कौन कौन आया था? सब थे, सुधीर अंकल, मेघा आंटी, विशाल, हरी, गुड्डी सेक्रेटरी साहब, सब थे। बहुत मजा आया। चलते चलते सावित्री गार्डन पहुंच गए, पता ही नहीं चला। कल से हम भी आएंगे। मम्मी, ठंड शुरू होते ही मौसम कितना रंगीन और एक्साइटिंग हो जाता है ना? हाँ, लेकिन अभी हल्की हल्की ठंड है, इसीलिए जब ज्यादा ठंड गिरने लगेगी तब तो बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करेगा तुम्हारा। और हाँ, बोल दे रही हूँ, आज से ही फ्रिज के आइटम खाना बंद। ये सुनकर गट्टू हंसते हुए बोला, मम्मी आप एक काम करो, आप फ्रिज को बड़ा सा ताला लगा लो। वेरी फनी। अब चलो उठो फटाफट, स्कूल भी जाना है। दोपहर का समय था, गट्टू चिंकी स्कूल चले गए थे। मम्मी ने कबर्ड से सबके स्वेटर निकाल कर रखे। शाम को सबने स्वेटर पहन लिए। स्वेटर पहनकर गट्टू चिंकी, मम्मी, पापा और सभी एकदम मोटे मोटे लग रहे थे। स्वेटर पहनकर हम सब भालू लग रहे हैं। तुम्हारे जोक्स बस तुम्हें ही सूट करते हैं। इतना भी बुरा नहीं था। आप फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जो जोक्स फॉरवर्ड करती हो उससे तो कई गुना अच्छा था। मैंने कौन सा जोक फॉरवर्ड किया? एक किसान ने भालू को दिया आलू। भालू बोला, मैं हूँ भालू, फिर मैं क्यों खाऊं आलू। ये सुनकर गट्टू चिंकी के साथ साथ पापा भी हंस पड़े। लेकिन मम्मी की नजर पड़ते ही पापा ने एकदम टॉपिक चेंज कर दिया। चलो खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं। लेकिन कल तो संडे है ना? अरे हाँ, लेकिन कल हम सबको जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर भी तो जाना है। सोसाइटी के बाकी मेंबर्स के साथ सड़क से होते हुए सावित्री गार्डन की तरफ मॉर्निंग वॉक करने निकले। सड़क पर बाकी सोसाइटी के लोग भी अपने अपने ग्रुप में बातें करते हुए वॉक कर रहे थे। सुबह सुबह काफी अच्छा माहौल बन गया था, बहुत मजा आ रहा था। फिर सावित्री गार्डन में आकर सब ने वार्म अप किया। उसके बाद सुधीर अंकल ने सबको योगा सिखाया और फिर एक घंटे बाद सब लोग घर आ गए। नाश्ते में आज मम्मी ने बादाम की बर्फी बनाई थी। बादाम की बर्फी, वाव! ठंड में अच्छा और हेल्दी खाना चाहिए। मेरी दादी कहती थी, ठंड में जो भी खाओ वो सीधा शरीर को लगता है और आदमी मजबूत बनता है। कल गुड़ का हलवा मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, ठंड के दिनों में भूख भी बहुत लगती है। हम पानी कम पीते हैं और खाना ज्यादा खाते हैं। वजन बढ़ाने का बढ़िया सीजन होता है ये विंटर सीजन। दोपहर के लंच में मम्मी ने मेथी की हरी सब्जी और बाजरे की रोटी बनाई थी। उसके साथ सफेद सफेद मूली, गाजर और लहसुन की चटनी, सब कुछ था। मेथी की सब्जी देखकर गट्टू चिंकी ने मुंह बना लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, वाह क्या बात है, मजा आ गया। मेथी की हरी सब्जी, गाजर, मूली, क्या खाना है। बाजरा और मेथी प्रकृति में गर्म होते हैं, साथ साथ इनमें बहुत सारे पोषक तत्व भी हैं। इसीलिए ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए मेथी, पालक, फूल गोभी, मूली वगैरह सब खाना चाहिए। दोपहर के समय सब लोग मॉल में शॉपिंग करने आए तो मम्मी ने ध्यान से मॉइस्चराइजर को उठाकर अपनी ट्रॉली में रख लिए। रात में सबने मॉइस्चराइजर उठाकर अपनी स्किन की अच्छी तरह से मालिश की। अब ठंड का लेवल बढ़ रहा है, ठंड में स्किन रूखी सूखी और बेजान हो जाती है, इसलिए उसे किसी भी माध्यम से मॉइस्चराइज करना चाहिए। उससे स्किन को हीलिंग मिलती है, स्किन फटती नहीं है। चिंकी, तुम्हारे होंठ बहुत फट रहे हैं,
उन्हें भी मॉइस्चराइजर दो। फिर सब लोग सो गए। दूसरे दिन सुबह गट्टू चिंकी 5 बजे ही उठ गए और अच्छी तरह से रेडी होकर सबके साथ मॉर्निंग वॉक पर निकल पड़े। 6 बज रहे हैं, फिर भी काफी अंधेरा है अभी। बेटा, ठंड के दिनों में रात बढ़ जाती है और दिन छोटा हो जाता है। आज 5 बजे ही सूरज डूब जाएगा, देखना। सब लोग चल रहे थे। बहुत ठंड थी, लेकिन चलने की वजह से शरीर में गर्मी बन गई थी। बहुत उत्साही वातावरण था। एक दुकान के सामने कुछ लोग अलाव यानी आग जलाकर गर्मी ले रहे थे, साथ साथ गप्पे मार रहे थे। कितना बढ़िया विजुअल है, आग के पास सब इकट्ठा होकर मस्त गप्पे लड़ा रहे हैं। अचानक गट्टू के दिमाग में एक ख्याल आया और गट्टू बोला, क्यों ना हम भी एक रात हमारे सोसाइटी कैंपस में बहुत बड़ी आग जलाए। आग के बहाने सब लोग नीचे आएंगे, ढेर सारी बातें होंगी, गाना बजाना, नाचना, क्या प्रोग्राम बनेगा। गट्टू, क्या आइडिया दिया बेटा। हम इस प्रोग्राम का एक नाम भी रखेंगे और हर साल हमारी सोसाइटी में ये प्रोग्राम करेंगे। कोई गिटार बजाएगा, कोई गाना गाएगा, कोई कहानियाँ सुनाएगा, तो कोई एक्टिंग करेगा। क्या नाम रखा जाए? वेलकम विंटर। यस, वेलकम विंटर। तो फिक्स है, संडे की रात हम वेलकम विंटर करेंगे। संडे की रात में सोसाइटी कैंपस में आग जलाई गई। सभी मेंबर्स आग के पास इकट्ठे हुए और गर्मी लेने लगे, साथ ही साथ ढेर सारी बातें हुई। फिर विशाल भैया ने गिटार की तार छेड़ी और सभी गाने लगे। गाते बजाते नाचते हुए गट्टू चिंकी और सभी सोसाइटी मेंबर्स विंटर को वेलकम करने लगे। बरसात और गट्टू चिंकी का छाता। बरसात बच्चों को नहीं पसंद तो किसे पसंद। गट्टू चिंकी भी बरसात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गर्मियां खत्म होने वाली थी और साथ साथ गर्मियों की छुट्टियां भी। बरसती बरसात में स्कूल जाने का मजा ही कुछ और होता है। गट्टू चिंकी बस इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। एक दिन दोनों गैलरी में खड़े खड़े बरसात का इंतजार कर रहे थे। क्या यार, जून खत्म होने को है और बरसात है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। चिंता मत करो, कल मैंने न्यूज देखी थी, आज बरसात होने की संभावना है। लग तो नहीं रहा, आसमान आईने की तरह साफ है। कैसे होगी बारिश? अचानक मौसम बदल गया, सूरज गायब हो गया और आसमान में काले काले घने बादल छा गए। तेज ठंडी हवा चलने लगी, बिजलियां कड़कने लगी और देखते देखते जमकर बरसात बरसने लगी। ये, मैंने कहा था ना, देखो बारिश हो रही है। हाँ यार, पता नहीं कैसे अचानक मैजिक हो गया। चलो बरसात में नाचते हैं, गाते हैं और बरसात का स्वागत करते हैं। फिर क्या था, गट्टू चिंकी हॉल से भागते भागते घर से बाहर हो गए। गट्टू चिंकी सुनो, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे, वो दोनों तो सोसाइटी कैंपस में सोसाइटी के बाकी बच्चों के साथ बरसात में नाच रहे थे, गा रहे थे और एक दूसरे पर पानी फेंक कर बरसात एंजॉय कर रहे थे। बरसात के साथ साथ स्कूल शुरू हो गए और गट्टू चिंकी छाता लेकर स्कूल पहुँचे। गट्टू चिंकी के लिए मम्मी पापा ने प्यारे प्यारे छोटे रंगीन छाते खरीदे थे। वही छाते लेकर मटक मटक कर दोनों स्कूल आए थे। मिश्रा सर क्लास में पहुँचे तो उन्हें एक भी बच्चा नहीं दिखा, बस छाते ही नजर आए। अरे बच्चे कहाँ चले गए? ये सुनकर सारे बच्चों ने छाते ऊपर उठाकर मिश्रा सर को अपना चेहरा दिखाया। हम यहाँ हैं सर। यह देखकर मिश्रा सर हंसने लगे। अरे बच्चों, मैं तो समझ रहा था आज क्लास में छात्र बनकर सारे छाते ही बैठे हैं। ये बताओ तुमने क्लास में ये छाते क्यों खोल रखे हैं? सर बरसात चल रही है ना, हम भीग जाएंगे। अरे तो छाते की क्या जरूरत, क्लास की छत है ना। सर बारिश ने छत फाड़ दी तो छाता ही काम आएगा ना। चिंकी का जवाब सुनकर मिश्रा सर को हंसी आ गई। अच्छा, मतलब छत से भी मजबूत है तुम्हारा छाता। ठीक है, आज तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे छातों को भी पढ़ाऊंगा। चलो छातों और छात्रों, अपनी अपनी किताबें निकालो। हल्की हल्की बरसात में गट्टू चिंकी छाता लेकर स्कूल आते रहे और स्कूल से घर जाते रहे। कुछ दिन बीत गए और अचानक बरसात थम गई। फिर से तेज धूप निकलने लगी और गट्टू चिंकी नाराज हो गए। फिर भी बारिश आएगी,
ऐसा सोचकर दोनों हर रोज छाता लेकर स्कूल आते जाते रहे, लेकिन बारिश तो जैसे गायब ही हो गई। क्या यार, ये छाता तो बोझ बन गया है। हाँ, बरसात ही नहीं तो छाते का क्या काम, हम कल से छाता नहीं लाएंगे। उस दिन गट्टू चिंकी ने ठान लिया कि वो छाते को छुट्टी देंगे। दोनों भी अब छाते से बोर हो गए थे। स्कूल खत्म हुआ और गट्टू चिंकी छाता हिलाते हुए घर की तरफ निकल पड़े। उनके साथ साथ हरी और सोसाइटी के बाकी बच्चे भी आ रहे थे। मैंने कल न्यूज देखी, हवामान विभाग वाले कह रहे थे 1 महीने तक बारिश होने की संभावना नहीं है, इसलिए कल से छाते को छुट्टी। अरे नहीं, फिर तो छाता लाना ही होगा। हवामान विभाग जो कहता है उसके बिल्कुल उल्टा होता है, देखना बारिश जरूर होगी। हरी ऐसा कह ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और तेज बरसात होने लगी। बरसात देखकर सारे बच्चे बरसाती मेंढक बन गए और छाता खोलकर उसे हवा में इधर उधर हिलाते हुए डांस करने लगे और बरसात का स्वागत करने लगे। तेज हवा की वजह से हरी का छाता उल्टा हो गया और हरी भीगने लगा। यह देखकर सारे बच्चों ने अपने छाते बंद कर दिए और वो भी हरी के साथ भीगने लगे और इंजॉय भी करने लगे। तभी अचानक चिंकी का ध्यान फुटपाथ पर बैठे एक भिखारी पर पड़ा। बेचारा बरसात में भीग रहा था और सर्दी से परेशान होकर छींक रहा था। यह देखकर चिंकी को उस पर दया आ गई। हमारे पास छाता है फिर भी हम भीग रहे हैं। बेचारे के पास छाता नहीं है इसलिए वो भीग रहा है। इस छाते की जरूरत हमसे ज्यादा उसे है। फिर क्या, चिंकी अपना छाता खोलकर भिखारी के पास गई और उसे अपना छाता दे दिया। छाता पाकर भिखारी खुश हो गया। फिर क्या था, चिंकी फिर से उछलती हुई बाकी बच्चों में शामिल हो गई और सारे बच्चे बरसात में भीगते हुए नाचते हुए घर की तरफ निकल पड़े। बर्फ की बरसात। एक शाम की बात है, गट्टू चिंकी और पापा अपने बैग पैक करके मम्मी के पीछे पड़े थे। तीनों मम्मी को मना रहे थे लेकिन मम्मी मान ही नहीं रही थी। मम्मी, मम्मी प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, चलो चलते हैं। आप तीनों जाओ, मैं नहीं आने वाली। अरे तुम नहीं जाओगी तो हम जाकर क्या करेंगे? तो फिर जाना कैंसिल कर दो। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज ना। तुम लोग कितना भी जोर लगा लो, मैं नहीं आने वाली हूँ। मम्मी अपने कमरे में गई, तीनों भी मम्मी के पीछे गए और मम्मी को बार बार मनाते रहे, फिर भी वो मान ही नहीं रही थी। तो फिर ठीक है, हम तीनों जा रहे हैं। चलो गट्टू चिंकी, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। लेकिन पापा। गट्टू चिंकी चलो। और गट्टू चिंकी पापा के साथ कमरे के बाहर आए। बाहर आते ही पापा ने गट्टू चिंकी को आंख मार कर इशारा किया। गट्टू चिंकी इशारा समझ गए। पापा ने मम्मी के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया और मम्मी अंदर डर गई। अरे दरवाजा क्यों बंद किया है? हम लोग तो जा रहे हैं और तुम्हें घर में ही कैद रहना है ना, तो फिर तुम इसी कमरे में कैद रहोगी और वो भी हमारे आने तक। ये क्या पागलपन है, खोलो दरवाजा। नहीं, ये दरवाजा अब हमारे आने के बाद ही खुलेगा। अरे लेकिन मैं अकेले इतने दिन यहाँ बैठकर क्या करूँगी? तो हमारे साथ चलो। लेकिन वहाँ बहुत ठंड है। हम है ना। वहाँ तो बर्फ गिरती है। हम है ना। तो फिर खोलो दरवाजा, मैं आ रही हूँ। रात 9 बजे की फ्लाइट थी। तीनों टैक्सी से एयरपोर्ट आए और प्लेन में बैठकर निकल पड़े। लेकिन कहाँ, वो तो हम आपको बताना भूल ही गए। वो सब लोग विंटर वेकेशन पर जा रहे थे स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए। पता है कहाँ? हिमालय के पहाड़ों पर, उत्तराखंड में। आप भी एक्साइटेड हो ना? हमें पता था। तो चलो हम गट्टू चिंकी के साथ साथ आपको भी हिमालय की सैर करवाते हैं। कुछ ही पलों में प्लेन देहरादून में लैंड हुआ। काफी भयानक ठंड थी वहाँ, लेकिन डोंट वरी, गट्टू चिंकी ठंड से लड़ने के लिए टॉप टू बॉटम रेडी थे। वाह, कितनी फ्रेश और अनोखी हवा है यहाँ की, हर सांस एक्साइटेड कर रही है मुझे। बेटा यही तो खास बात है यहाँ की, इसीलिए तो दुनिया भर से लोग यहाँ सैर करने आते हैं। पापा हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन अब आगे कहाँ और कैसे जाना है ये तो आपने बताया ही नहीं। ऋषिकेश यहाँ से बस 20 किलोमीटर दूर है,
हम बस में बैठकर ऋषिकेश से होते हुए औली जाएंगे। चलो। उत्तराखंड के चमोली जिले में औली नाम का स्की रिजॉर्ट है। वहाँ औली में बर्फ से जुड़े स्पॉट है और इन्हीं का लुप्त उठाने के लिए गट्टू चिंकी की फैमिली घर से निकल पड़ी है। बस का सफर काफी आलीशान और इंटरेस्टिंग रहा। बस हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दोनों तरफ गहरी खाई और बीच में से बस चल रही थी। बर्फीले सफेद चांदी की तरह चमकते हुए पहाड़, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, ये सब गट्टू चिंकी बस की खिड़की से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग का सफर कर रहे हैं। मैं तो बस से उतरकर इन पहाड़ों में जंगलों में भी जी भर के भागना चाहती हूँ, रुकना नहीं चाहती। ये सुनकर मम्मी पापा हंसने लगे। डोंट वरी चिंकी, हमारा डेस्टिनेशन नजदीक है। हम बहुत जल्द यहाँ की जमीन पर पैर रखने वाले हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग औली पहुँचे और वहाँ के एक बड़े से रिजॉर्ट में ठहरे। गट्टू चिंकी बर्फ में खेलने के लिए काफी उत्सुक थे, लेकिन मौसम तो साफ था, बर्फ गिरने का नामो निशान तक नहीं था। बेचारे गट्टू चिंकी नाराज हो गए। फिर रिजॉर्ट के मैनेजर ने बताया, डोंट वरी, अभी मौसम साफ है, लेकिन स्नोफॉल तो 2 मिनट बाद भी हो सकता है। जनवरी और मार्च के बीच तो बर्फ ही बर्फ है। आप खा पी कर थोड़ा आराम कीजिए, स्नोफॉल खुद आपको जगाएगा। और हुआ भी वैसे ही। मम्मी पापा लंच करके सफर की थकान मिटा रहे थे कि तभी मम्मी की आंख खुली। मम्मी ने देखा कि चिंकी खिड़की के पास खड़ी बाहर का नजारा देख रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि खिड़की के बाहर कोई सपना चल रहा है। पूरा आसमान भर आया था और आसमान से जमीन पर हल्की हल्की रुई गिर रही थी, लेकिन वो रुई नहीं, रुई के जैसा हल्का हल्का मुलायम मुलायम बर्फ था जो जमीन पर गिर रहा था। और जमीन सफेद चादर ओढ़कर मानो शर्मा रही हो। मम्मी भी एक्साइटेड हो गई। अरे उठो उठो, स्नो फॉलिंग शुरू हो गई है। मम्मी पापा उठकर खिड़की के पास आए। चिंकी नजारा देखकर अंदर से इतनी खुश हो गई थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो मम्मी पापा से लिपट गई। थैंक यू सो मच हमें ये वंडरफुल एक्सपीरियंस देने के लिए। मम्मी ने चिंकी को चूम लिया। अरे गट्टू कहाँ है? वो देखो। गट्टू तो कप का बाहर बर्फ में तेज भाग रहा था, फिसल कर गिर रहा था, बर्फ के गोले बनाकर आसमान में फेंक रहा था। मम्मी पापा और चिंकी भागते हुए गट्टू के पास पहुँचे। मौसम ने मम्मी पापा को अपनी उम्र भूलने को मजबूर कर दिया। गट्टू ने बर्फ का बड़ा सा गोला बनाकर मम्मी पापा पर फेंका तो मम्मी पापा ने भी बर्फ के गोले बनाकर गट्टू को मारे। मम्मी पापा और चिंकी गट्टू पर टूट पड़े। सब हंसते खिलखिलाते इधर उधर फुदकते हुए मस्ती कर रहे थे, बर्फ में फिसल रहे थे, चहक रहे थे। तभी गट्टू ने देखा पहाड़ से स्कीइंग करते हुए एक ग्रुप फिसलता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा था। गट्टू चिंकी मम्मी सब एक्साइटमेंट में उनकी तरफ भागने लगे और पैर फिसलकर फिसलते हुए अपने आप पहाड़ी से नीचे आने लगे। ओहो, ये, ओहो, याहू। स्नोफॉल बढ़ता रहा, बढ़ता रहा और बढ़ता ही रहा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।